तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं चार्ट्स, और चार्ट्स के अंदर हम फॉर्मूले जो होते हैं उन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और कैसे हम फॉर्मूले के थ्रू चार्ट्स लगा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिए, और मान लीजिए कुछ नंबर डालते हैं और उसके ऊपर हम अपना चार्ट लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि रैंडम नंबर आ जाए। अब इसके ऊपर हमें चार्ट लगानी है, तो हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने इस पे पाई चार्ट ले लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि सेल्स ऊपर दिख रहा है, राइट। अब इस चीज को समझिए, जब इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं ऊपर सीरीज का फॉर्मूला आता है। सीरीज का फॉर्मूला, देखिए चार्ट जब भी लिंक होता है सीरीज के थ्रू ही लिंक होता है, तो सीरीज का फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला ये टाइटल कहलाता है, ये जो देख सकते हैं B1 है, टाइटल है। दूसरा जो है वो एक्सिस कहलाता है, जो जैन फैब आता है वो एक्सिस होता है। और तीसरा जो होता है वो जिसके बिहाफ पे आपके चार्ट डेटा होता है, जिसके बिहाफ पे आपका चार्ट क्रिएट होता है। और चौथा पोजीशन होता है। हालांकि पाई चार्ट में पोजीशन का कोई रोल नहीं होता है, कॉलम चार्ट में पोजीशन का रोल होता है, जैसे कल मैंने बताया था आपको। शो होता है, मान लीजिए कि मेरे पास जो टाइटल है मेरा, वो ऑलरेडी हमारा एक फॉर्मूले से कनेक्टेड है, जैसे कि इन्वर्टेड में टोटल मंथ, सॉरी यहाँ टोटल नहीं, यहाँ पे मंथली सेल्स ऑफ ईयर। अब मैं चाहता हूं कि हर साल करेंट ईयर हमेशा दिखाते रहे, तो इक्वल हमने प्रेस कर दिया, और हम यहाँ ईयर के बाद स्पेस देके एंड, और ईयर का फॉर्मूला लगा के इसमें हम टुडे का फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि ईयर ऑटोमेटिकली हमारा आएगा। तो एंटर प्रेस करने पे ईयर आ गया। अब मैं चाहता हूँ अब चार्ट का जो टाइटल है इससे कनेक्टेड हो, तो सिंपल ये जो ऊपर का जो टाइटल वाला पहला पार्ट होता है इसको डिलीट करके इसके जगह पे इसका लिंक दे दीजिए एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां जब भी चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली आपका टाइटल चेंज कर देगा, सिंपल। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम चार्ट के अंदर कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मंथली सेल है और मैं चाहता हूं क्राइटेरिया के हिसाब से कंडीशन देना। देखिए आपके जो चार्ट के अंदर की जो फॉर्मूले होती है ना सर, उस फॉर्मूले में आप किसी भी तरह का फॉर्मूला अपना ऐड नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला फिक्स होता है, उसमें किसी भी तरह का फॉर्मूला पिक नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अपने एक्सेल सीट पे फॉर्मूला लगा के हम उसका ये कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनाए, चलिए हम वही चीज आपको बताते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कंडीशनल चार्ट, क्योंकि तो अगर हमने यहां इंसर्ट करके चार्ट बनाया, चार्ट पे हमारा कॉलम चार्ट है। अब मैं चाहता हूं जो ग्रेटर देन 50 है वो और कलर से आए, जो लेस देन 20 है कोई और कलर से आए। तो मैनुअली अगर हम चेंज, मान लीजिए लेस देन 20 है, अगर मैंने यहां चेंज कर दिया कलर, तो ठीक है कलर चेंज हो गया, लेकिन कल के डेट में तो ये आपका 45 हो जाता है, तो फिर कलर चेंज नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कलर भी चेंज हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्लैब देते हैं 0 to 20, 20 to 50, 50 to 80 एंड ग्रेटर देन 80। और यहाँ हमें अभी फॉर्मूला लगाना होगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 20 है तो इसको शो कर दो, अदरवाइज ब्लैंक कर दो, और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, तो जहां जहां 20 के नीचे उसका लिस्ट आ जाएगा। फिर कंडीशन यहाँ पे फॉर्मूला देंगे इफ, और यहाँ देंगे एंड, अगर ए ग्रेटर देन 20 और ए
लेस देन इक्वल टू 50 हो तो इस वैल्यू को शो करे, अदरवाइज ब्लैंक, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। फिर वापस इसी एंड फॉर्मूला को कंटिन्यू हम करते चले जाएंगे, बस इसमें हम कंडीशन चेंज करेंगे कि 50 और 80 से छोटा हो, और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। और फिर यहाँ इफ हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ग्रेटर देन 80 है तो नंबर शो कर दो, अदरवाइज ब्लैंक। इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ हम जैसे नॉर्मली हम चार्ट बनाते हैं तो डेटा को सिलेक्ट करके चार्ट बना देते हैं, लेकिन जब इस तरह का कंडीशंस हो तो डेटा सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक है, और ब्लैंक क्या होता है, टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट कभी भी आपका जो टेक्स्ट जो है वो चार्ट में नहीं जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डेवलपर में आते हैं, सॉरी डेवलपर नहीं, माफ कीजिएगा, चार्ट पे आते हैं, किसी एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके एक ब्लैंक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। देखिए ब्लैंक चार्ट क्रिएट हो गया। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक और यहाँ सिलेक्ट डेटा ऐड, और यहाँ पे हमने पहले डाल दिया हेडिंग को और फिर इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। फिर अगेन ऐड डेटा, इस पे हमने सीरीज को सिलेक्ट किया और यहाँ इक्वल हमने यहाँ पे सॉरी हाँ इसी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। फिर ऐड हेडिंग में 50 to 80 और यहाँ पे इक्वल करके हमने 50 to 80 के एरिया को सिलेक्ट कर लिया ओके। फिर अगेन ऐड ये ग्रेटर देन 80 और यहाँ हम ग्रेटर देन 80 का जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर लिया, और ये जो 1 2 3 आ रहा है उसको एडिट करके हम मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि नीचे Jan-Feb मार्च आ गया एंड ओके। लेकिन बड़ी पतली पतली है चीजें, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसकी गैप को कम करते हैं। इसको बढ़ा देते हैं ताकि चौड़ा हो जाए, ठीक है। अब हर किसी कलर जैसे कि अगर हम बात करें इसको तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये आपका 20 to 50 वाला, कितना है 20 to 50, और ये जो आपका है 20 to 50 ये भी, हाँ ये जो आपका है लेस 0 to 40 है, तो 0 to 40 को हमको रेड करना है, तो इसको हमने रेड कर दिया, और येल्लो करना ये लाइट ग्रीन करना है हमको, और फिर लेस देन 80 को ब्लू करना है और ग्रेटर देन 80 को ग्रीन करना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे मान लीजिए 45 का जगह पर मैं 85 कर दिया तो देखिए 85 का कलर आ गया ओके। एंड 50 के जगह पे मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 95 तो 95 का कलर आ गया। 23 की जगह पे मैं कर देता हूँ ओनली 43 तो 3 का कलर आ गया, या फिर 15 15 का कलर आ जाएगा। 95 की जगह पे 78 78 का कलर आ जाएगा। तो कंडीशनल कलर के अकॉर्डिंग हम इस तरह से चार्ट बनाते हैं। समझ में आया सर? कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं, जैसे मेरे पास क्वार्टरली है, क्वार्टर 1 2 3 4 का हमारे पास डेटा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे 50 60 75 इस तरह का क्वार्टरली डेटा है हमारे पास, और मैंने इसकी जो है रिपोर्ट बना दी है, मान लीजिए कॉलम चार्ट ही रख ली है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो पिवट के अंदर है, सॉरी फॉर्मूला के अंदर, तो क्लिक कीजिए ये आपका फॉर्मूला है। तो
एरे फॉर्मेट में, मतलब कर्ली ब्रैकेट में हम सारा डेटा यही डाल देते हैं, इन्वर्टर कॉमा में क्वार्टर वन क्वार्टर टू कॉमा क्वार्टर थ्री कॉमा क्वार्टर फोर। और यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स के अंदर भी सेम ऐसे ही करते हैं, 50, 60, 75, 65 एंटर प्रेस कीजिए। अब मैं ये डेटा डिलीट कर दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे हर बार जो चार्ट हम लगाएंगे उसके लिए हमें पहले डेटा डाल के चार्ट लगाना है, फिर डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं? जरूरी नहीं, आप एक ब्लैंक एरिया को सेलेक्ट करके एक ब्लैंक चार्ट, जैसे मैंने एक ब्लैंक चार्ट यहाँ ले लिया, अब मैं इसकी राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा में ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ टाइटल दे दीजिए जिसकी सेल्स का टाइटल है, और यहाँ पे अपनी सेल्स कर्ली ब्रैकेट में दे दीजिए कि 50, 60, 70, 40 हमने डाल दिया, दैट ओके। और फिर यहाँ जो हेडिंग है उसमें डाल दी, इसमें अभी आपको इन्वर्टर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 एंड आप ओके करें तो क्वार्टर आ जाएंगे एंड ओके आपका डेटा बन गया। अब चलिए एक बात करते हैं कि मेरे पास डेटा दो तरह के हैं, जैसे मैं यहाँ पे नेम दे दिया और हमने यहाँ मान लीजिए कि 2021 का सेल, नहीं 2021 का सेल है, ये भी जाना जरूरी है, 2021 का सेल है और इसको नीचे की तरफ मैंने ट्रैक कर दिया। अब मान लीजिए इस पे मैं चार्ट लगाता हूँ, ठीक, छोटी सी प्रॉब्लम होगी, देखिएगा क्यों, ये 2021 का दिखा, नेम दिख रहा है, नेम को सीरीज ले लिया 2021। देखिए जब भी आप चार्ट लगाते हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि आपकी हेडिंग नंबर नहीं होनी चाहिए, अगर वो नंबर है तो उसको भी डेटा रीड कर लिया जाएगा, इसलिए नंबर नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना, नेम को लेके 2021 दिखा दिया इसने, अब बाकी सब इसके कंपेयरिंग में कर दिया क्योंकि गलत है, 2021 टाइटल है। तो यहां हम सिंगल कोड लगा दें या ईयर लिख दें तो ठीक रहेगा, अगर ईयर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 2021 लगा दें। अब जो है इस पे चार्ट लगाइएगा तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं, 2021 को रीड नहीं किया। अब 2022 का डेटा मेरे पास है लेकिन किसी और शीट में है या फिर किसी और फॉर्मेट में है, जैसे कि मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, अब देख पा रहे हैं कि मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये अलग सीट पे भी हो सकती है, और 2021 के जगह पे मैं 2022 कर देता हूँ। अब मैं 2022 को इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा और यहाँ ऐड करना है, हेडिंग में आप ये 2022 दीजिए सीरीज नेम के और यहाँ आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, पर ध्यान रखिए जो नेम का सीक्वेंस यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा डेटा किस एंगल का है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखिए आपके सामने डेटा आ चुका है। समझ में आ गया? इसमें ईयर नहीं मेंशन होगा, मेंशन हो गया हेडिंग, तो ये मेंशन हो गया। इसमें हमने एलिमेंट में जाइए, यहाँ एलिमेंट में और एक्सिस टाइप, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं टाइटल के, तो टाइटल आएगा चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल, लेजेंड, माफ कीजिएगा लेजेंड, हाँ ठीक है। देखिए आप जब आपके पास जब सिंगल कॉलन होता है तब आपका ये जो हेडिंग है वो चार्ट टाइटल बन जाता है,
जब आपके पास मल्टीपल लाइन हो जाते हैं तो चार्ट टाइटल जो है आपका नहीं बनता है, मैनुअली फिर आपको चार्ट टाइटल देना पड़ेगा, ऑटोमेट नहीं होगा, तब तो वो लेजेंड बन जाता है। ओके सर, क्लियर है? चलिए इसकी कीजिए प्रैक्टिस, मॉर्निंग में कल हम बात करते हैं डायनेमिक चार्ट के थर्ड पार्ट को। अभी दो क्लास आपकी, आई थिंक एक या दो क्लास बची हुई है डायनेमिक चार्ट।